भारत की शोरशज़दा रियासत मणिपुर में बीजेपी हुकूमत के मसीहियों के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद हलाकतों की तादाद 75 हो गई है, जिनमें ज़्यादातर मसीही हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है कि भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के दौरा मणिपुर से कबल आज सौगना असम्बली हल्के में मजीद 7 शहरी, जिनमें ज़्यादातर मसीही हैं, और 2 पुलिस कमांडोज हलाक हो गए। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज के बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन के दौरान 40 से ज्यादा मसीहियों को कत्ल कर दिया गया। इलाके में 250 के करीब मकानों को आग लगा दी गई। ताहम भारतीय फौज और पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ने तस्दीक की है कि ये कार्रवाइयां ज्यादातर मसीहियों की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के खिलाफ की जा रही है, जो भारत से आजादी का मुतालबा कर रहे हैं। खूनरेजी और हलाकतों के अलावा घरों और गिरजाघरों को जलाया गया और इंटरनेट मुअत्तल कर दिया गया। तकरीबन 75 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी और 10,000 बेघर होकर रिलीफ कैंपों में मुंतकिल हो चुके हैं।